परसों एक जना क्या करा मेरे को, फोन करा, सरोवर भाई मैं खाना ला रहा हूँ। मैं खाना पकाने नहीं लगा, देखे 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 9:30 बज गए, फिर 9:30 बजे पकाए तो 11:30 बजे बच्चे खाना खाए। गारत हो जाएगा तू, गारत हो जाएगा तू, अल्लाह के फजलो करम से देख ले तू। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर नजर। एआरए टीवी न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। सोशल वर्कर मोहम्मद सरवर खान साहब के मदरसे में कुछ सोशल वर्कर, जो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल वर्कर होते हैं, वो लोग फोन कर सरवर खान साहब को कहते हैं कि हम खाना आज लेकर आएंगे। जी हाँ, मदरसे अल फुरखान में कई यतीम बेसहारा बच्चों को तालीम दे रहे हैं मोहम्मद सरवर खान साहब, और मुफ्त में देते हैं, और कई ऐसे बेवाओं को और यतीमों को पैसों से, पेंशन से, और उनके घर के खर्चे से, और उनके राशन से ये देते हैं। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद सरवर खान साहब आए दिन कई सालों से हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों में ये काम करते नजर आते हैं। जी हाँ नाजरीन, सोशल वर्कर, टू टाइप्स ऑफ सोशल वर्कर। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं, आए दिन हम देख रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना से कई ऐसे सोशल वर्कर पैदा हो रहे हैं जो सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, ग्राउंड वर्क नहीं करते, ग्राउंड पे आकर काम नहीं करते, हम देख रहे हैं। तो सरवर खान एक ऐसे हीरो है जो कई मुस्तहिक लोगों को, उनको जरूरतों को पूरा करते हुए हम आए दिन हम देखते हैं और ये अपडेट भी करते हैं। अब ऐसे कई लोग हैं जो उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, ये बात अलग है, अच्छे काम करने वालों के जो है ना पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, मगर टू टाइप्स ऑफ सोशल वर्कर ऐसे हैं जो कॉल रिकॉर्डिंगों के सोशल वर्कर एक होते हैं और एक अच्छा काम करने वाले सोशल वर्कर होते हैं। सोशल वर्कर का मतलब उनको नहीं मालूम और सोशल वर्कर का काम क्या है वो नहीं मालूम, ना ही उसकी स्पेलिंग मालूम, मगर उठाते हैं और कॉल करते हैं। जेब में 10 रुपए नहीं रहते मगर कॉल करते। तो हम आपको आज इस न्यूज के जरिए से हम आपको पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपको मदद करना है तो यकीनन यकीनन मोहम्मद सरवर खान साहब की मदद करें, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में है और हैदराबाद तेलंगाना की आवाम भी देखती है कि मोहम्मद सरवर खान साहब का काम कैसा है। गरीब बच्चियों की शादियों तक पे भी कराते हैं और कुछ लोग इनको सपोर्ट करते हैं और कुछ जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग भी इनसे सपोर्ट करें। वीडियो में इन्होंने इनका नंबर बताया और मदरसे अल फुरखान का भी बताया। बच्चों को, मासूम बच्चों को खाना नहीं है खाने के लिए, मगर खाना बनाते करते खिलाते हमेशा 3 टाइम, मगर मोहम्मद सरवर खान साहब को कॉल आता है और कॉल आकर कहते हैं, कॉल पर बोलते हैं कि हम आज खाने का इंतजाम करेंगे, मगर खाने का इंतजाम नहीं करते। बहुत ही प्रॉब्लम होती मदरसे अल फुरखान में, और बाद में फिर सरवर खान साहब को अर्जेंट फिर खाने को तैयार कर यतीम और बेसहारा बच्चों को खाना खिलाते हैं। यह है सरवर खान साहब की न्यूज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस न्यूज के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एआरटीवी न्यूज, हैदराबाद। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کھانے میں برکت نازل فرمائے آمین جو کھلا رہے اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے آمین الحمدللہ مدرسہ الفرقان کے بچوں کے لیے بہترین بگارا کھانا اور دال چا بہترین خیمے کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے مولانا रहमतुल्लाह साहब बच्चों को डालते हुए। हर किसी की बस की बात नहीं है खाना खिलाना। परसों एक बेवकूफ़ फ़ोन करा मेरे को, सर भाई मैं खाना ले लेके आ रहा हूँ, बल्कि देखो यतीम बच्चों की बदवा लगी तेरे को, मैं खाना नहीं पकाया था उसे, खाना ला रहा हूँ बल्कि छूटे पे क्या, झूठों के ऊपर अल्लाह की नालतों पर अल्लाह सुबहाना बताला। मजाखा नहीं करना यार, मदरसे के बच्चों के साथ मजाखा करते, तुम्हारा मालूम वो घरदार छोड़ के बच्चे, कोई बच्चा यतीम है, किसी के अम्मा बाबा दोनों भी नहीं है। तो परसों एक जना क्या करा मेरे को, फोन करा, सरवर भाई मैं खाना ला रहा हूँ, मैं खाना पकाने नहीं लगा, देखे 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 9:30 बज गए, फिर 9:30 बजे पकाए तो 11:30 बजे बच्चे खाना खाए। गारत हो जाएगा तू, अल्लाह के फजलो करम से देख ले तू, नहीं करना है साहब, यतीम बच्चों के साथ मजाक दिले की करते, अल्लाह की मार पड़ेंगी ना। आज दोपहर का लंच मदरसे अल फुरखान के बच्चों का बघारा खाना, दाल चा और खीमा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। अगर कोई भी खाना खिलाना चाहे तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9705376728। अल्लाह इसको कबूल फरमाए, अल्लाह इसको मकबूल फरमाए।
और एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, वो कुछ लोग देख के बोलते तुम इतना ही पका रहे सालन, इतना ही खा रहे, अरे बेवकूफ, मैं भूखा रहता, मैं कैसा आदमी हूँ मालूम, मैं खुद भूखा रहता हूँ तो सबको खाना खिलाता हूँ, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। मौल साहब के वहाँ से अलग दस्तखान भेज रहा, असादिदा कहते असादिदा, वो अबुल हसन बोल के था हमारे पास बेवकूफ, उन्हें बोलता था मेरे को खाना अलग देना, मैं बच्चों के साथ नहीं खाता हूँ। ऐसा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ बैठ के खाना खाते थे, तो यहाँ पे मौल साहब भी वही खाना खाते, बच्चे भी वही खाना खाते। अगर मौल साहब बिरयानी खाए तो बच्चे भी बिरयानी खाएंगे, अगर मौल साहब दाल खाना खाए तो बच्चे भी दाल खाना खाएंगे। ऐसा नहीं इन्हों अलग खा रहे, उन्हों अलग खा रहे, इनके यहाँ से बिरयानी बन रही, उनके यहाँ से मटन अलग पकड़ा, उनके यहाँ से बकरे अलग पकड़े, नहीं हमारे पास जो पका अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलके खाते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुबहाना व ताला इसमें बरकत अता फरमाए, और अल्लाह सुबहाना व ताला ये मदरसे अलफुरकान को सुबह तक क़यामत तक क़याम और दायम कर दे। अल्लाह मदरसे अलफुरकान के लिए रिज़्क़ और दौलत के दरवाज़ों को खोल दे। ज़करिया भाई जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, तो हमारे वीडियोस को शेयर भी करें भाई, सपोर्ट भी करें। अल्लाह सुबहाना व ताला आप लोगों को बेहतरीन नज़र देंगे। अस्सलामु अलैकुम।